टेम्पलेट। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी को पता है एंड्रॉयड स्टूडियो सीखने का सीरीज, यानी कि हम लोग कंप्लीट इस सीरीज में एंड्रॉयड स्टूडियो सीखेंगे, एप्लीकेशन को रिस्किन करना सीखेंगे, उसके बाद में बेसिक एंड्रॉयड स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट तक हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे और ये लंबा चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं कि दोस्तों आपके पास सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, लैपटॉप होना जरूरी है, लैपटॉप में एंड्रॉयड स्टूडियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, मैं तो एक प्रोजेक्ट भी ओपन करके बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट। ओके और एक चीज की दोस्तों, हम ये जो वीडियोस रहेंगे, ये सारे वीडियोस 10 10 मिनट्स के, 5 to 10 मिनट्स के ही बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा, जहां तक मुझे पता है, ज्यादा लंबा जो वीडियो रहता है, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का वीडियो, वो देखने मजा नहीं आता, आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं 10 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों ज्यादा जो आ ये जो बोलते हैं कोर्स सिखाते टाइम, ओ ये वो, वैसा कुछ ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए। अब एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें मुझसे मत पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी मेरे चैनल में बता चुका हूँ। और अगर आप एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो इन सब बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सब छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, मेरा टैबलेट उसके आगे लिख देना, उसके बाद आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके एसडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब ये मत पूछना कि एसडीके क्या होता है, बहुत बड़ा बेवकूफ जैसा सवाल हो जाएगा ये। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको अगर जानना है तो इसमें देख लीजिएगा, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में कौन सी कोडिंग सीखने वाले हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो दोस्तों गूगल का बनाया हुआ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लोग नहीं, सभी डेवलपर्स उसके अंदर ही एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड्रॉइड के जो भी ऐप होते हैं वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और iOS का Xcode के ऊपर बनता है। खैर अभी मैं इतना सीखा नहीं हूँ उसके बारे में, जब सीख जाऊंगा तो अच्छे से सिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो सीखेंगे ये स्टेप बाय स्टेप कैसा रहेगा। वैसे आज का जो ये फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा हमारा वेब सीरीज के ऊपर। ठीक है, सॉरी, वेब व्यू के ऊपर, वेब सीरीज याद आ रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, वेब सीरीज को भी हम बनाएंगे सबसे। लेकिन पहला हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा ये रहेगा वेब व्यू। जब मैंने भी एंड्रॉइड स्टूडियो सीखा था, और जब मैं मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया, और ओपन करने के बाद आप कोई भी फाइल को जब ओपन करते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत मजा आएगा आपको। ये देखो, जब मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो सबसे पहले जब ओपन किया था ना, फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब सीखना चाहिए, जैसे ये आप लोग अभी, आपका भी मन में ऐसा हो रहा है कि मुझे सीखना चाहिए। खैर उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखे इसकी पढ़ाई की, तब जाके मैंने थोड़ा इसका एक्सपर्ट हो पाया हूँ। बहुत ज्यादा अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि गूगल हर टाइम नया नया अपडेट लाता रहता है और हम लोग को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो जब हाँ, ऐसे ही कुछ ओपन हो गया मेरे सामने एंड्रॉइड स्टूडियो, और उसके बाद में जब मैंने यहाँ पे ये आर जो दिख रहा है ना, उस टाइम वो रेड रेड दिख रहा था। अब मुझे समझना है कि उसको करना कैसे है, एरर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप लोग भी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो ना, तो जो छोटे छोटे एरर्स रहते हैं दोस्तों, एक वर्ड, एक LO, कुछ भी आपने ऐसे वर्ड डाल देना, उसकी वजह से जो एरर आता है। अब एग्जाम्पल को अभी दिखाता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया L, देखिए जादू, देखिए अब जादू, यहाँ पे क्या था R, यहाँ पे मैंने लिख दिया L। अब ये जो L है ना, रेड कलर का हो गया। अब इसे सॉल्व करने में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी जा सकता है शायद, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। शायद अच्छे एक्सपर्ट हो तो सॉल्व भी कर लोगे, कि आपको समझ में आ जाएगा आर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटे से एरर की वजह से बड़ा नुकसान होता है, टाइम की बहुत बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोई भी ऐसा मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो में, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, तो कुछ स्किप ना हो जाए, पूरा डिटेल में देखिए। एंटरटेनमेंट के साथ आपको सिखाऊंगा भी, और आपको मेरे एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको वीडियो बताया, वैसा इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए उसको। खैर ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसको मैं जरा कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोग ओपन मतलब इंस्टॉल कर लोगे, तो आपके सामने एक ऐसा फर्स्ट स्क्रीन आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, इसको कट करता हूँ, ऐसा आएगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपके सामने ऐसा आएगा, उसके बाद में आपको स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, बहुत मजा आ रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। उसके बाद में ये एक्टिविटीज जो आप लोग देख रहे हो ना, ये एक्टिविटीज के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे
नेक्स्ट इसके पार्ट में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मतलब ये जो है, ये क्या है, ये सब इस जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्पटी एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, क्या है ये सब समझते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ऐसा होगा, ठीक है, यानी समझ चलिए कि मैंने सोच लिया कि मेरे एप्लीकेशन में होम स्क्रीन होगा, होम स्क्रीन के ऊपर तीन जो डॉट्स रहते हैं वो होंगे और वहां से नेविगेशन पैनल ओपन होगा, ठीक है। तो वो जो थीम है, आपको कोडिंग करने से अच्छा आप यहाँ से वो थीम उठा सकते हो। गूगल ने पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ थीम्स दिए हुए हैं, मतलब जो बेसिक नॉर्मल एप्लीकेशन में शुरुआत में जिनकी जरूरत पड़ती ही है तो वो पहले से ही एंड्रॉइड स्टूडियो में दिए हुए हैं, ठीक है। नेविगेशन हो गया, बॉटम नेविगेशन हो गया, जो आपको सही लगे आप ले सकते हो। टैब्ड एक्टिविटी हो गई, जो ऊपर से देखो मेनू रहता है, लल्लन टॉप न्यूज देखा होगा आपने, ऊपर से टैब रहता है, न्यूज एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में नेविगेशन पैनल, यू साइड से जो मेनू आता है, बॉटम नेविगेशन यानी जो नीचे रहता है मेनू, ठीक है, अभी यूट्यूब में अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, पहले ऊपर आता था मेनू, ठीक है। उसके बाद में अभी ये अगर हम ये चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग वेब व्यू, यानी कि वेब व्यू क्या होता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट को आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम लोग सीख रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है वेब व्यू ऐप बनाना, यानी कि किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक्टिविटी चूज कर लेंगे, यानी कि अब देखा जाए तो हमारा जो एक्टिविटी है एम्प्टी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेबसाइट लोड होगा, ऊपर प्रोग्रेस बार डाल सकते हैं या फिर हमारा एप्लीकेशन का नाम या वेबसाइट का नाम डाल देंगे। तो फिलहाल हम एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल बेसिक समझा देता हूँ कि ये जो है ऊपर ये टूल बार रहता है और इसके ऊपर जो वाईफाई नेटवर्क वगैरह दिखते हैं उसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे मेनूज रहते हैं इनको बॉटम नेविगेशन बोलते हैं, इसको नेविगेशन पैनल बोलते हैं या फिर साइड बार भी इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर नेविगेशन ड्रावर एक्टिविटी भी लोग बोलते हैं। उसके बाद में इसमें टैब एक्टिविटी भी होगा, हाँ, ये जो ऊपर से आते हैं इनको टैब एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये सब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इनकी थोड़ी आदत डालिए, समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बॉटम नेविगेशन यानी बॉटम शब्द को समझ, बॉटम यानी बॉटम नेविगेशन, नेविगेशन पैनल या साइड बार यानी साइड से जो मेन्यू आएगा, तो छोटी छोटी चीजें इनको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में एम्प्टी एक्टिविटी हम एक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम डालते हैं, चलो आप लोग भी डाल लो, मैंने तो डाल दिया मेरा टेम्पलेट, अच्छा स्पेलिंग भी गलत हो गई, ओके फिर गलत हो गई, M-E-R-T-E-M-P-L-A-T, राइट। मैं थोड़ा फास्ट टाइपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, खैर कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली पीसी की आदत नहीं, मुझे लैपटॉप की आदत है। तो ठीक है, अब यहाँ पे पैकेज आईडी जो डालना है, यहाँ पे पैकेज आईडी आपको समझिए चलिए कि आपको एक ऐसे वेबसाइट का ऐप बना रहे हो जो कि वेबसाइट पॉपुलर है, ठीक है। तो पैकेज आईडी में यहाँ पे आप एज अ टैग यूज कर सकते हो, जैसे com.meratemplate. आगे ऐप ऐसे कुछ करके डाल दिया, तीन उसमें मतलब बीच में डॉट आता ही है इसमें, ठीक है। ये पैकेज आईडी होता है और पैकेज आईडी यूनिक होना चाहिए, जब आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डालते हो तो पैकेज आईडी के थ्रू ही सर्च लेता है, ठीक है। आप लोग भी प्ले स्टोर पर जब जाओगे हर एप्लीकेशन का एक पैकेज आईडी होता है, आप लोग बोलो तो लाइव दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये देखिए अभी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए हर एक एप्लीकेशन का पैकेज आईडी होता है। अब जैसे व्हाट्सएप का हम उठाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप का देखिए com.whatsapp, ये इसका पैकेज आईडी है। इंस्टाग्राम का com.instagram.android, ये इंस्टाग्राम का पैकेज आईडी है, ठीक है। अब मैं जैसे अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ, अब यहाँ पे लिखा है com.snapchat.android, अब इसको हटा के मैंने यहाँ पे ये पेस्ट मार दिया, अब देखिए ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि पैकेज आईडी का क्या यूज होता है। पैकेज आईडी यूनिक होना चाहिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए, सेम डालोगे तो प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, या हम लोग ऑब्वियसली जावा पे करने वाले, कोडिंग कोटलिन होगा तो जावा क्लिक कर लेना है पे, ठीक है। उसके बाद में अपना स्टोरेज वगैरह मतलब जहाँ पे भी हमारे फाइल सेव होगा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अब ये जो है मिनिमम एसडीके, यानी कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो ये किस डिवाइस को आप टारगेट कर रहे हो, यानी कि देखो क्या होता है दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन बड़ा बना रहे हो तो बड़ा जो एप्लीकेशन होता है वो पुराने फोन्स में तो नहीं चलेगा, जैसे जेलीबेन, किटकैट, नगेट, इन सब में नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर के वर्जन्स में चलेगा, तो उसके ऊपर का वर्जन आपको चूज करना है। बट हम जो एप्लीकेशन मतलब जो अभी जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब्यू ऐप है, सब में चलेगा ये एप्लीकेशन, ठीक है, और हम सबके लिए बना भी रहे हैं। तो मतलब मिनिमम से मिनिमम एसडीके हमको वैसे टारगेट करना चाहिए ताकि हमारा एप्लीकेशन सब में चले। लेकिन जब आप ज्यादा मिनिमम भी सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंसी या लाइब्रेरीज है जो आप यूज नहीं कर पाओगे। खैर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में, फिलहाल हम लोग टारगेट करते हैं 4.1, यानी कि 4.1 के आगे के जितने भी वर्जन है उसमें ये एप्लीकेशन चलेगा। 4.1 के नीचे के जो वर्जन रहते अब तो खैर वो बंद हो चुका है, पर उसके नीचे के जो वर्जन रहेंगे उसमें ये ऐप नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब फिनिश पे क्लिक करते हैं
ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया ओपन। देखो दोस्तों, जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो हो सकता है 2-3 सेकंड तक कुछ हो ही ना, अगर आपका पीसी या लैपटॉप ऐसा है तो। मैंने जैसे आपको बताया है 8 GB का रैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 8 GB, एक अच्छा हार्ड डिस्क हो, प्रोसेसर अच्छा हो उसका। ये एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आप सीख रहे हो इतना तो कर ही लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए, मेरा तो खैर मैक है, फटाफट यहाँ पे बिल्ड हो गया, वरना आप लोगों के भी यहाँ पे बिल्ड होता रहेगा, ये चलता रहेगा गोल गोल, या फिर प्रोग्रेस बार यहाँ पे रन होता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये जो आप लोग देख रहे हो सामने क्या है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोजेक्ट ओपन किया और आपको एरर आ गया, क्योंकि आप सभी को पता है इसका तो मैं आपको कोड देने वाला हूँ ना, वेब व्यू एप्लीकेशन का, मतलब एक जो वेबसाइट जैसा, मतलब एक वेब, किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट किया जाए उसके लिए तो मैं आपको कोड भी देने वाला हूँ इस वीडियो या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, आपको पूरा कंप्लीट कोड दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एंड्रॉयड दिख रहा है ना, तो एंड्रॉयड भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके इसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक हुआ होगा तो फाइल्स ऐसी ओपन होगी, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे यार ये क्या है, मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। पैकेजेस पे होगा क्लिक, मतलब यहाँ पे जरूर ध्यान देना कि कभी भी जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो में तो यहाँ पे एंड्रॉइड पे ही होना चाहिए, तो बराबर ऐसी फाइल्स दिखती हैं सही तरीके से, वरना फाइल्स अच्छे तरीके से नहीं दिखेंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एरर्स आएंगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, लंबा टाइम जाएगा, फिर बाद में बोलोगे कि आपने अच्छे समझाने का। खैर कोई भी एरर आए मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ऐसी बात नहीं, टाइम मिलेगा तो जरूर सॉल्व करूंगा। अब ये देखिए ऐप में आपको ये 3 फाइल मेन होती है, 3-4 फाइल्स, मैनिफेस्ट, जावा, रेस, ग्रेडेंस। मैनिफेस्ट आप समझ के चलिए कि आपके एप्लीकेशन का जो, मैं एक मैनेजर समझ के चलिए, आपके एप्लीकेशन के अंदर जो परमिशंस दी जाती है, जैसे कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है ना अलाउ 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 करके, तो आप लोग टिक टिक कर दो, अलाउ अलाउ कर देते हो, तो वो परमिशंस यहीं से ली जाती है मैनिफेस्ट में से। चलिए ओपन करके दिखाता हूं। अब समझ के चलिए कि मेरा एप्लीकेशन है वेब व्यू, यानी कि एप्लीकेशन ओपन होगा, जो मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला होगा यहाँ कोडिंग में वही सिर्फ एप्लीकेशन में दिखेगा, ठीक है। लेकिन वो तभी दिखेगा जब हमने उस एप्लीकेशन में इंटरनेट की परमिशन दी होगी, समझ में बात को। अगर मैंने यहाँ पे इंटरनेट की, अभी देखो मैंने कोई इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है, तो एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक रहेगा वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी परमिशन दी जाती है, यहीं से हमारे फोन के जो, जैसे मैं चाहूँ तो उनके कॉन्टेक्ट का परमिशन ले सकता हूँ, हर परमिशन मैं यहाँ से देके ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम बनाए हुए हैं गूगल ने पहले से। खैर मैनिफेस्ट में हम लोग परमिशंस वगैरह लेना, मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जावा में हम लोग कोडिंग करते हैं, पूरी जावा की कोडिंग होती है। रेस्ट में हम लोग डिजाइन, यानी रेस्ट फोल्डर में हम लोग कंप्लीट लेआउट बनाते हैं, डिजाइन वगैरह कह लीजिए कि समझ के चलिए अब मुझे एक ग्रोसरी ऐप बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि अभी हम बनाने वाले तो नहीं है, आगे बनाएंगे। तो ग्रोसरी ऐप बनाने के लिए मेरा होम स्क्रीन कैसा दिखेगा, उसके बाद का नेक्स्ट स्क्रीन कैसा दिखेगा, तो ये सारे जो स्क्रीन रहते हैं वो पूरा स्क्रीन डिजाइन किया जाता है लेआउट में। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, लेआउट में एक्टिविटी मेन मैंने ओपन कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, यानी कि एप्लीकेशन ओपन होगा उसमें लिखा रहेगा हेलो वर्ल्ड, यानी कि टेक्स्ट व्यू, यानी कि टेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है। अब हम यहाँ से चाहे तो वेब व्यू भी डाल सकते हैं, खैर हम आगे डालेंगे अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये जो ग्रेडल रहता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज वगैरह हम लोग डालते हैं, ठीक है। यही पे आप चाहो तो पैकेज आईडी वगैरह भी चेंज कर सकते हो ग्रेडल स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे आपको 2 बिल्ड और ग्रेडल दिख रहे हैं, दो जो दिख रहे हैं इसमें से मॉड्यूल ऐप जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसके बारे में समझ गया, मैनिफेस्ट के बारे में समझ गया, जावा के बारे में समझ गया, आपको रेस्ट यानी जो डिजाइन वगैरह करते हैं, जो सारे हमारे इमेजेस फोल्डर्स रहते हैं वो रेस्ट में रहते हैं, ठीक है, रेस्ट फोल्डर में। यहीं पे हमारे लेआउट सारे स्क्रीन यहीं पे डिजाइन होते हैं रेस्ट फोल्डर में, और ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में हम लोग परमिशंस लाइब्रेरीज वगैरह जो इंटीग्रेट करते हैं वो ग्रेडल में होता है, ठीक है। तो ये हो गया, लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो हो गया, अब इतना आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं सीधा कोड ही इंटीग्रेट करूंगा और आपको कॉपी पेस्ट करना अच्छे से बता दूंगा, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, और कैसे आप अपना एक एप्लीकेशन फर्स्ट बना पाओगे, और आप चाहो तो प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हो, इसके नेक्स्ट पार्ट में अच्छे सीखेंगे। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है बनाने में सिर्फ 20 मिनट्स या 25 मिनट्स ही आपको लगेंगे, 25 मिनट्स का ही वीडियो भी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, इसके बाद हमें और भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वैल्यूएबल लगा हो, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू दोस्तों।